हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रीसेट योर डिवाइस, यानी कि इस फोन को पूरी तरह से क्लीन एंड रीसेट कैसे करें। फोन में अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है या अपना फ़ोन सेल करना चाहते हैं तो फोन को एक बार रीसेट जरूर करें। फ़ोन रीसेट मारने से पहले मैं आपको बता दूँ, डिवाइस में मिनिमम 60% बैटरी रखिए। फ़ोन में जितने सारे फोटो, वीडियो, जीमेल अकाउंट, इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है, मोबाइल को रीसेट करने से पहले उन सभी डेटा का बैकअप ले लीजिए या तो पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र कर लेना, क्योंकि रीसेट करने के बाद सारे डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो इस मोबाइल को रीसेट करने के लिए सबसे पहले आपको फ़ोन के सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करना है फैक्ट्री। आप इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा फ़ोन रीसेट ऑप्शन में जा सकते हैं, या तो फ़ोन सेटिंग्स ओपन करके स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट जनरल मैनेजमेंट पे टैप करना है, फिर से नीचे की ओर जाइए। लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट, इस पर क्लिक करना है। रीसेट सेटिंग्स को खोलते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से ऑल फोन सेटिंग्स, नेटवर्क सेटिंग्स, एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स और फैक्ट्री डेटा रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने से पहले अब एक बार रीसेट ऑल सेटिंग्स करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार फोन सेटिंग रीसेट करने से ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और आपका फ़ोन पर सभी डेटा सुरक्षित रहेगा। दोस्तों फोन फॉर्मेट करने के लिए फैक्ट्री डेटा रीसेट पर क्लिक करेंगे। ऑल डेटा विल बी इरेज फ्रॉम योर फोन, मतलब आपके फ़ोन से सारे डेटा फॉर्मेट हो जाएगा। नेक्स्ट रीसेट पर क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन लॉक सेट किया हुआ है तो उसका भी पासवर्ड डाल दीजिए। रीसेट करने से पहले आपसे और एक बार कन्फर्म किया जाएगा कि आपका सारा डेटा फॉर्मेट होने वाला है। इसके बाद डिलीट ऑल पर टैप करते ही फैक्ट्री रीसेट होना शुरू हो जाएगा। डिवाइस फॉर्मेट होने में 5 से 20 मिनट तक लग सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका फ़ोन कितना भरा हुआ है उसके ऊपर। तब तक आप यहाँ पर इंतज़ार करें और हो सके तो मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखिए। जब तक आपका डिवाइस पूरी तरह से रीसेट होकर ऑन ना हो जाए तब तक इस फ़ोन को चालू या बंद करने की कोशिश ना करें। डिवाइस ऑटोमेटिक बूट होने के बाद आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों फ़ोन रीसेट के अलावा इस मॉडल का कई सारे हिडन सेटिंग्स और प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि फ़ोन रीसेट करने का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।